Chapter number 1, rational number. First we have seen the explanation of numbers, rational numbers, and then afterwards we have understood the various properties of rational number, right? Now moving ahead, look at exercise number 1.1 and question number 1. Using appropriate properties, find. हमें क्या करना है, हमें जो questions दिए हैं उसमें जो properties है जो use हो रही है वो हमें देखनी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट हमारा दिया हुआ है -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6, राइट. अब हम इसे देखेंगे सॉल्यूशन. -3/5 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6. अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमारा ये कॉमन है, ठीक है. तो हम इसको क्या करेंगे, आगे ले लेंगे -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5. इसको हम आगे ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -3/5 और 1/6, और इसे हम वापस कहाँ ले जाएंगे, पीछे. यहाँ पे हमने क्या किया है, जो यहाँ पे +5/2 था उसे हमने पीछे ले लिया है, इसे हमने यहाँ पे आगे ले लिया है. तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ये हमारी हो जाएगी कौन सी, हो जाएगी कॉमेटिव प्रॉपर्टी, राइट. यहाँ पे हमने पहले ये प्रॉपर्टी फाइंड की. अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3/5 हमारा कॉमन हो जाएगा. इन ब्रैकेट हमारा क्या है, यहाँ पे -2/3 और यहाँ पे क्या है हमारा -1/6. इन दोनों में हमने क्या किया, इसको हमने कॉमन बाहर निकाल लिया है. अब क्या बचा हमारा 5/2, ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 6, ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 और यहाँ पे हमारा 3/5 और +5/2 एज इट इज. इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है. हमने यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी का यूज किया है. अब हम इसे देखेंगे नीचे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम वापस. यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -4 -1 means -5/6. ये क्या था हमारा 3/5 और लास्ट में हमारा क्या बचा है 5/2. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन में है तो -15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30. ये क्या है हमारा +5/2. अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 30. यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, वी हैव गॉट एलसीएम दैट इज 30. नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -15, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 15 × 75. अब ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस 75 - 15, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60. 75 प्लस में है तो ये भी प्लस में आएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 30 क्या हो जाएगा 0 0. ये क्या हो जाएगा हमारा 0 0 कट, 3 1 3 और हमारा हो जाएगा 3 2 6. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2. हमने यहाँ पे पहले कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, कॉम्यूटेटिव यूज की, जिसमें हमने क्या किया, जो 3/5 दोनों में कॉमन है वो हमने ब्रैकेट में बाहर निकाल लिया था, और फिर उसके बाद हमने क्या किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की. इस तरह से हमने इस आंसर को सॉल्व किया, यहाँ पे हमारा आंसर आया 2. सेकेंड वन, 2/5 प्लस मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/6 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5. अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे. सेम वे हम वापस क्या करेंगे, इनमें जो कॉमन है उसको हम पहले बाहर ले लेंगे. तो इसमें कॉमन क्या है हमारा, ये कॉमन है तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, पहले इसे हम लिखेंगे 2/5, पहले हमने ये ले लिया. इसके बाद क्या है हमारा -3/7 है, इसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है 1/14 और 2/5
और क्या बचा अब हमारे पास? हमारे पास बचा है अब 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो इसमें हम ये कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचा हमारे पास? प्लस 1/14। अब बाहर हमारे पास क्या बचा, इसको भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। 3 1 3, 3 2 6, तो हम यहाँ पे -1/4 ले लेंगे। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, हमने ये क्या किया, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव किया, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 14, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। 2/5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, -6 + 1 मीन्स -5/14, और ये 1/14। ठीक है, 2 1 2, 2 7 14, 5 1 5, 5 5 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, -1/7 और -1/14, सॉरी यहाँ पे 4 है हमारा, -1/7 और -1/4। अब इन दोनों का हम क्या लेंगे वापस, एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा -7, -+ क्या हो जाएगा हमारा 7 and 4 11, और डिवाइड बाय 22, और ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे 7 है वो भी इंटीजर है, उसकी साइन हमारी माइनस है, तो ओवर आंसर विल बी -11/28। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो हमने वी हैव सीन व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ और नेगेटिव ऑफ एनी नंबर, राइट। ये हमारा दिया हुआ है 2/8, हमारा रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसका हम क्या देखेंगे, एडिटिव इनवर्स, जिसे हम नेगेटिव भी कहते हैं। तो उसका क्या करते हैं हम, जो साइन होती है उसका ऑपोजिट कर देते हैं। 2/8 है, उसका हमारा क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स -5/9, उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, जैसे हमने देखा उसमें कि यहाँ पे पॉजिटिव था तो उसका हमने नेगेटिव किया था, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो उसका हम क्या कर देंगे पॉजिटिव। तो एडिटिव इनवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5/9 का हो जाएगा 5/9। हम उसकी क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, -6 और -5, दोनों माइनस दिए हुए हैं, इसका एडिटिव इनवर्स हम कैसे करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा, कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब इसका हम एडिटिव इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -6/5। नेक्स्ट फोर्थ वन, 2/-9, अब इसका हमें एडिटिव इनवर्स करना है। 2/-9 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2/9, ठीक है, ये दोनों इक्वल ही हुए, तो -2/9 है उसका हमारा एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, +2/9, राइट। नेक्स्ट वन, 19/-6, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, 19/6, -6 है तो उसको हम -19/6 लिखेंगे, तो ये दोनों सेम ही हुआ, राइट, जो माइनस है उसको हम क्या कर देंगे ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये माइनस है तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हम साइन को ऑपोजिट कर देते हैं, इसीलिए 19/6। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट द -(-x) = x किसके लिए, 4, नंबर 1 x = 1/15, और नंबर 2 x = -3
13/17। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले हम डालेंगे माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 11/15। यहाँ पे क्या किया हमने, x की वैल्यू रखी है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस माइनस एक्स इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट माइनस 11/15। ये क्या किया हमने, ये माइनस और यहाँ पे x की वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारी आंसर क्या आ जाएगा, 11/15। तो वो हमारा आ गया आंसर x, हमने पहले चेक किया था, ये आंसर हमारा आ गया। हमने x की वैल्यू डाली और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा x इक्वल टू 11/15 वो हमारा वेरीफाई हो गया। हम देखेंगे सेकेंड वन जो दिया हुआ x इक्वल टू माइनस 13/7। तो हम इसमें x की वैल्यू डालेंगे, क्या दिया हुआ x की वैल्यू हमें, माइनस 13/17। कहाँ डालना है हमें, माइनस इन ब्रैकेट माइनस x माइनस इन ब्रैकेट x की वैल्यू, दैट इज क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे हमें दो बार माइनस दिया हुआ है, तो हमारे ब्रैकेट इस तरह से बनेगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, माइनस बड़े ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा यह हो जाएगा 13/17। तो ये आंसर हमारा आ गया x इक्वल टू माइनस 13/17, क्योंकि यहाँ पे हमारा दो बार माइनस आ रहा है, माइनस x की वैल्यू हमारी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है बाहर और यहाँ पे भी माइनस है, तो अंदर जो माइनस माइनस हो रहा है वो हमारा प्लस हो रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस 13/17। और यहाँ पे हमारा बाहर के ब्रैकेट में माइनस दिया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है वो हमें वापस मिल जाएगी। सो ओवर x वैल्यू विल बी माइनस 13/17।